हाय, आज इस वीडियो में मैं लवलैप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का असेंबली और रिव्यू करने जा रही हूं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी एक साल से यूज़ कर रही हूं और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूं। मैं बताना चाहूंगी कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ये प्रोडक्ट मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा है। तो चलिए इसकी असेंबली देखते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें हमें ये सारे पार्ट्स मिले हैं। इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिली है जिसमें लिखा है कि हमें इसे कैसे असेंबल और यूज़ करना है। ये इलेक्ट्रिक यूनिट है हमारे ब्रेस्ट पंप की। इसमें हमें ये एक सिलिकन ट्यूब दी गई है। ये ब्रेस्ट पंप बॉडी है। ये हमें एक मसाज कुशन दिया गया है जिसे अभी हम इस ब्रेस्ट पंप बॉडी के इस फनल में फिट करेंगे। ये एक डस्ट कैप है जिसे हम लगाएंगे ताकि हमारा मिल्क कंटामिनेट ना हो। ये टीट और रिंग दी गई है बॉटल की। ये एक बॉटल मिली है हमें इसके साथ। ये बॉटल का कैप है। ये ब्रेस्ट पंप में जो बॉडी में जो ऊपर टॉप पे डायफ्राम लगेगा ये वो है। और ये एक डक बिल वॉल्व है। इसके साथ ही हमें ये एक कैरी बैग मिला है जिसमें हम सारे पार्ट्स रख सकते हैं। इसमें हमें ये एक चार्जर मिला है जो एक USB केबल की तरह भी काम करता है। तो चलिए अब ब्रेस्ट पंप की असेंबली देखते हैं। तो सबसे पहले मेन बॉडी पार्ट को फिट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ब्रेस्ट पंप का पार्ट है इसमें हम ये डक बिल वॉल्व लगाएंगे। इसे हमें यहाँ पे ऐसे फिट करना है। ये अच्छे से फिट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे ये मसाज कुशन लगाएंगे। अब हमने ये मसाज कुशन और डक बिल वॉल्व लगा ली है। अब हम ब्रेस्ट पंप का डायफ्राम लगाएंगे। उसके लिए इस कैप में हमें ये डायफ्राम फिट करना है। ये अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे दबा के बंद कर देंगे। इसके बाद ये जो बॉटल है इसको हम इसमें फिट कर देंगे। और ये हमारा असेंबली कंप्लीट हुई। आप देख पा रहे हैं ये हमारा ब्रेस्ट पंप प्रॉपरली असेंबल हो गया है। ये जो डस्ट कैप है इसे आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं जिससे आपने जब मिल्क एक्सप्रेस कर लिया है तो वो कंटामिनेट ना हो। इस तरह से आप इस डस्ट कैप को लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो ये हमारा पावर बटन है, इसे हमने ऑन कर लिया है। ये मोड चेंज बटन है, इससे हम स्टिमुलेशन और एक्सप्रेशन मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। अभी ये ब्रेस्ट पंप स्टिमुलेशन मोड में चल रहा है जिसमें आप अपने ब्रेस्ट को मसाज कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से एक्सप्रेशन मोड में चेंज कर सकते हैं। ये प्लस माइनस बटन से हम इसके लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ब्रेस्ट पंप में हमें 9 स्टिमुलेशन और 9 एक्सप्रेशन मोड मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे मैं L1 से L9 तक ले जा सकती हूँ। दोस्तों, ये ब्रेस्ट पंप बाय डिफ़ॉल्ट 30 मिनट तक चलता है। उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा और जब भी आप इसे फिर से स्टार्ट करेंगे तो इस ये आपके लास्ट लेवल को रिमेम्बर करेगा और उसी पे स्टार्ट होगा। ये यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे ब्रेस्ट पंप की बैटरी काफ़ी कम है तो मैं इसे चार्ज पे लगा देती हूँ। दोस्तों, ये एक बजट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस ब्रेस्ट पंप को जैसा कि मैंने आपको बताया इसे मैं एक साल से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी ये बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। इसका प्राइस लगभग 2700-2800 रुपये है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट पंप को कैसे प्रॉपरली स्टरलाइज करें तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।